अब हम यहाँ पर फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व करेंगे रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बैंड होगी जब लाइट रे एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है मींस लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी एयर में होती है कितनी हेलो एवरीवन कैसा आप सब मैं प्रणव शर्मा फिजिक्स फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन जैसा कि बच्चों आपको पता है आज हम यहाँ पर सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का सैंपल पेपर आपने जैबा मैम से डिस्कस कर लिया अब हम यहाँ पर फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व करेंगे डिस्कस करेंगे कि किस कि तरह से हमारे पास सैंपल पेपर है किस तरह से एग्जाम पेपर आएगा के स के सेक्शन होंगे किस तरह के क्वेश्चन हमें आएंगे और हमें किस तरह से उनको अटैम्प्ट करना है तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि ए बी सी डी एंड ई देर आर फाइव सेक्शन इन दर एग्जाम पेपर यहाँ पर आपके पास जो टोटल मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स के हो, पेपर होगा आपका एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का जो मार्क्स वैटेज है वो 25 पर uh, ट्वेंटी है अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 80 25 uh, मार्क्स के केमिस्ट्री एंड 25 मार्क्स का फिजिक्स पार्ट आपके पास यहाँ पर आएगा रिमेनिंग अप्रोक्सिमेटली मैं बता रहा हूँ एंड रिमेनिंग बायो पार्ट होगा आपके पास ओके okay? तो चलो बच्चों अब हम सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस तरह से आपके पास क्वेश्चन हैं फिजिक्स के एंड हम उन्हें किस तरह से सोल्व करेंगे ओके okay? तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट इज इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इट्स इमेज इज फोर्म्ड देखो बच्चों सेक्शन ए है वन मार्क का क्वेश्चन है ज्यादा हमें इस पर डीप में नहीं जाना वन वर्ड आंसर आएगा अब देखो जब हमने चैप्टर भी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में आते हैं देखो अब क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वैक्स मिरर इमेज कहां बनेगी तो देखो भाई कॉन्वैक्स मिरर है तो बना लो यहां पर कॉन्वेक्स मिरर ये हमने कॉन्वैक्स मिरर बना लिया बनाते हमें ध्यान में आया कि यहां पर हमारे पास दो केस बने थे बस ओके तो इमेज कहां बनी थी इमेज हमारे पास बिहाइंड द मिरर कहीं बनी थी यहां पर हमारे पास इसकी इमेज बनेगी एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस के साथ ये वेरी भी करेगी इमेज की डिस्टेंस ओके बच्चों तो अब ऑप्शन अगर हम देखें तो बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स ऑप्शन नंबर डी तो हमारे पास हो गया करेक्ट अगर हम ए बी से ऑप्शन भी देखें तो एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर देखो एट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिररर ये सब जो हमारे पास ऑप्शन हैं ये कौन के मिरर के कैसेज हैं किसके कैसे है, कौन मिरर के ओके okay? तो ये सब कैसे हो जाएंगे यहाँ पर फॉल्स हो जाएंगे बच्चों मीनस ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट तो इस तरह के आपके पास एक नंबर का जो मार्क्स होगा आपका सेक्शन नंबर ए है जिसमें वन मार्क के क्वेश्चन होंगे आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को यहाँ पर मिलेंगे वन वर्ड आंसर है ज़्यादा कोई डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ओके okay? वैसे भी सैंपल पेपर में फिजिक्स का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है ओके okay? सो so ज़्यादा घबराने वाली बात हमारे पास यहाँ पर नहीं है चलो एक काम करते हैं सेक्शन नंबर डी बी देखते हैं

इन विच ऑफ द टू केस द रिफ्रेक्टेड रे बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल की किस केस में रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बैंड होगी एंड सेकेंड है इन विच केस ड स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकेंड मीडियम देखो बच्चों यहां पर क्या होगा सेक्शन बी है आपके पास टू मार्क का क्वेश्चन है तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है क्या होता है अगर हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो सिंपल सी बात करें तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन लेट सपोज ए एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू लेट सपोज बी ठीक है अब देखो यहां पर ध्यान से जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ध्यान रखने वाली बात क्या है जब हमने लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर्स में पढ़ा था तो बताया था कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है आ, साथ ही हम कह सकते हैं जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड के इनवर्सली प्रपोशनल होता है मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसमें उसकी जो वेलोसिटी है जो स्पीड है लाइट की उस मीडियम में वो इतनी ही कम होगी ठीक है ऑप्टिकल डेंसिटी जिस मीडियम की ज्यादा है वो डेंसर मीडियम होगा और जिसके कम है वो रैरर मीडियम होगा अब देखो बच्चों ध्यान से लाइट रे ए से बी में जा रही है तो देखो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ए कितना है हमारे पास ये 1.6 है म्यू ऑफ़ बी हमारे पास 1.8 पॉइंट एट एन म्यू ऑफ़ सी हमारे पास यहाँ पर 1.5 पॉइंट है तो देखो जब ए से बी में जा रही है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बी का ज्यादा है मीनस बी जो है वो डांसर मीडियम होगा तो लाइट रे बैंड होगी किसमें जब वो ए से जाएगी बी में है ना जब लाइट रे रर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की नॉर्मल uh, की तरफ बैंड होती है और जब रर मीडियम से डेंसर में सॉरी oh, जब डेंसर से रर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है क्वेश्चन हमने पूछा हमें पूछा गया है कि नॉर्मल की तरफ बैंड कब होगी जब वो डेंसर मीडियम में जाएगी रर मीडियम से तो कहां हो रहा है ए से जब बी में जा रही है देखो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है 1.6 ए का कम है आगे बढ़ते हैं इन व्हिच केस डस द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन सेकंड मीडियम इंक्रीज कब होगी देखो ध्यान से रिफ्रैक्टिव जि, इंडेक्स जिसका ज़्यादा है उसकी स्पीड कम होगी देखो बी से जब सी में जा रही है लाइट रे जब लाइट रे आपके पास बी से सी में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है कम हो रहा है इसका वन पॉइंट फाइव है इसका कितना है वन पॉइंट एट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो मीन्स स्पीड कैसी होगी ज़्यादा होगी तो मतलब जो सेकेंड वाला केस है उसमें क्या होगा जब लाइट रे बी से सी में जाएगी ओके okay? देखो सिंपल था अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का टॉपिक पता है तो क्वेश्चन बड़ा ईजी है आपको यहाँ पर क्या करना है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का आपका यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन देंगे उसका फॉर्मूला लिखेंगे देन आप इन से इसको सॉल्व करेंगे ईजी है बच्चों ओके चलो आगे देखते हैं इसी तरह से आपके पास बाकी क्वेश्चंस भी होंगे यहां पर फिजिक्स के सेक्शन बी में अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं कि सेक्शन सी में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ओके okay, तो देखो सेक्शन सी सी में आपके पास थ्री मार्क्स के क्वेश्चन होंगे बच्चों ओके okay? तो देखो चलो पहला क्वेश्चन देखता वापस वहां पर uh, देखो हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अगेन हमारे पास यहाँ पर एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन मिल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अब देखो यहां पर क्या कह रहा है एक्सप्लेन वाई द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन भाई रिफ्कटिव इंडेक्स क्या होता है किसी एक मीडियम लाइट रे एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है ये चेंज क्यों होती है क्योंकि अलग अलग मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है और ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट के स्पीड के इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा लाइट की स्पीड उस मीडियम में उतनी ही कम क्लियर बच्चों इतनी बात अब देखो हमें यहां पर क्या गिवन हम कैसे लिखेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यूजिक पोस्टम लिख देंगे वी ए अपॉन वी बी ठीक है अब देखो मान लो यहां पर हमें विद रेस्पेक्ट टू एयर दे रखा है इंडेक्स विद टू एयर मतलब हमें क्या गिवन है रिफ्कटिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर इसको हम कैसे लिखेंगे वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन इन एनी मीडियम क्लियर है बच्चों इतनी बात अब देखो ध्यान से हम जानते हैं ना भाई मैथमेटिकली प्रूव है कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है लेट्स सपोज एक्स अपॉन वाई और डिनोमिनेटर एक बात और बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी मीडियम की अगर हम वैक्यूम को हटा दें तो जो भी मीडियम्स होंगे उनमें सबसे जो रेड और मीडियम होता है वो होता है एयर मींस लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी एयर में होती है कितनी होती है ऑलमोस्ट 2.9 सॉरी हाँ 2.9 पॉइंट नाइन मीटर पर इंटू टेन रेड पावर एट मीटर पर सेकेंड जो कि अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम की स्पीड के बराबर है वैक्यूम लाइट की स्पीड कितनी होती है थ्री इंटू टेन रेड पावर एट मीटर पर सेकेंड एयर कितनी होती है एयर में होती है हमारे पास यहाँ पर टू पॉइंट नाइन इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड अब जो भी मीडियम होंगे उन मीडियम में जो स्पीड की लाइट है वो रेस्पेक्टिवली कम ही होगी किससे ए से मीन्स टू पॉइंट नाइन से हमेशा कम होगी हम जानते हैं कि अगर डिटो की वैल्यू कम है न्यूमरेटर से तो जो आंसर होगा वो ऑलवेज वन से ज्यादा ही होगा इतनी बात तो क्लियर है बच्चों ठीक है सिंपल सा मैथमेटिकल का क्वेश्चन था आराम से सोल्व हो गया ठीक है तो ये तो हो गया हमारा वन मार्क का क्वेश्चन ठीक है आपको यहाँ पर वन मार्क मिल जाएंगे पर ध्यान रखना आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एक बार फॉर्मूला लिखकर बताना पड़ेगा बच्चों ओके सेकंड है इन द फिगर ब्लो अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ए इन टू द सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक गिवन अ रीजन वाई द रे नॉट डेविएट अरे भाई हमने पढ़ा था ना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था सॉरी कि जब लाइट रे वो कौन से कंडीशन है जब लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होती मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होता तो दो कंडीशन हमने वहां पर पढ़ी थी कि पहली तो ये कि लाइट सरफेस एकदम परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो अगर ऐसा होता है तो लाइट विदाउट डेविएशन निकल जाएगी मीन्स रिफ्रैक्शन वहां पर नहीं होगा आपका है ना भाई और दूसरा कहता कि अगर दोनों मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है अगर ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है तो मीन वहां पर कोई आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा लाइट का डेविएशन नहीं होगा बच्चों तो यहां पर देखो क्या हो, होगा होगा इसका रीजन देखो यहाँ पर एयर है और यहाँ पर क्या है प्लास्टिक है तो सिंपल सी पहली बात तो ये कि इन दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटीज सेम नहीं है डिफरेंट डिफरेंट है सिंपल सी बात है तो सेकंड केस क्या हो सकता है आ, तो रीजन क्या हो सकता है इसका है कि ये इसके एकदम परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है ठीक है भाई तो इजी सा क्वेश्चन था देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है हालांकि पता नहीं इतना सिंपल दे कैसे के से दिया पेपर में चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम कंप्लीट द रे ऑफ द द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द टॉप फ्लेट एंड अब लाइट रे जब यहां से निकलेगी तो कहां जाएगी देखो ये प्लास्टिक है ठीक है और ये एयर है ये डेंसर मीडियम है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर क्लियर है भाई इतनी बात तो मीन्स जब लाइट रेट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन से कुछ ऐसे बैंड हो जाएगी बच्चों ठीक है क्या इजी क्वेश्चन तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके पास वन वर्ड में आंसर आ रहे हैं हमारे पास बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे अच्छे से ठीक है और पार्ट्स में हमें इनका आंसर देने हैं बट अब देखो जो रिफ्लेक्टिव पूछा था तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिफ्क्टिव इंडेक्स तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बच्चों यहाँ पर ओके okay? तो इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे ओके okay? तो ये हमारा होगा सेक्शन नंबर सी भी हमने यहाँ पर देखा चलो एक काम करते हैं सेक्शन नंबर डी पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर टू थर्टी सिक्स आर द लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे पास यहाँ पर फाइव मार्क्स के क्वेश्चन हैं चलो भाई देखते हैं क्या है हमारे पास फिजिक्स में क्वेश्चन अगर हम फिजिक्स का क्वेश्चन देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर देखो कुछ ये रहा क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स हमें गिवन है आई थिंक ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कोई बात नहीं हमने रे ऑप्टिक्स में देखो पढ़ा था क्वेश्चंस हैं uh, क्या है क्वेश्चन द अबो इमेज शो अ थिन लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 5 हमें यहाँ पर फोकल लेंथ गिवन है 5 मीटर है व्हाट इज द काइंड ऑफ द लेंस शोन इन द अबो फिगर कि कौन सा लेंस है जल्दी देख के बताओ भाई कौन सा लेंस है सिंपल सा है ये लेंस कौन सा है हमारे पास ये हमारे पास है कॉनवेक्स कॉनवेक्स लेंस ठीक है अब देखो एक मार्क का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन एक का है हमारा तो आपके यहाँ पर कॉन्वैक्स लेंस लिखना है इसके आप डेफिनेशन भी यहां पर लिख सकते हैं और एक डायग्राम भी बना देना कि भाई हमारा कॉन्वैक्स लेंस हो गया ठीक है तो एक नंबर आपका पक्का हो गया नेक्स्ट क्या है इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज टू बी फॉर्म डिसन मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर देन शो दैट द कैलकुलेशन वेयर द शुड बी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मींस हमसे क्या पूछ रहा है इसने हमें फोकल लेंथ दे दी ऑप्टिक हमने इसने हमें इमेज डिस्टेंस दे दी सेवन मीटर ये हमसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू रहा है तो इसके लिए तो हम क्या करेंगे भाई सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू निकाल लेंगे फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पर वन अपोन एफ़ इज इक्वल्स टू वन अपन वी माइनस वन अपोन यू है तो वन अपोन यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से मिलेगा वन अपोन वी माइनस वन अपोन एफ़ मिल जाएगा बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो वन अपोन सेवन माइनस वन अपोन फाइव मिल जाएगा तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस टू पॉइंट थर्टी फाइव तो हमें यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो u जो है वो मिलेगा हमें यहाँ पर सेवनटी फाइव थर्टी फाइव बाई टू माइनस थर्टी फाइव बाई टू मिल जाएगा तो हमें यहाँ से मिल जाएगा u इज इक्वल्स टू माइनस सेवनटीन पॉइंट फाइव ठीक है ये थर्टी फाइव है कन्फ्यूज़ मत होना तो ये मिल गया हमें अच्छा माइनस का मिला अब देखो साइन कन्वेक्शन यहाँ पर ध्यान रखना माइनस का मिला मतलब लाइट रे हमने कुछ ऐसे मानिए यहाँ पर ये लाइट रे हमने कुछ ऐसे मानी है तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है अब ये देखो ये एफ टू है लेट सपोज ये हमारे पास यहाँ पर टू एफ टू आ जाएगा और इसको अगर हम आगे यहाँ पर इंक्रीज करें लाइट को सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस को तो ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ एफ वन आ जाएगा ओके तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमारे पास आगा यहाँ पर माइनस सेवनटीन पॉइंट फाइव मीटर ठीक है भाई ड्रो द नीट लेबल डाइग्राम अब डाइग्राम हमें बनाना है यहाँ पर तो देखो लाइट रे अगर ऐसी आ रही है तो एक तो फोकस से होकर जाएगी ठीक है फोकस से होकर नहीं गई दोबारा बना देते हैं कोई बात नहीं एक लाइट रे हमारी यहाँ पर इस फोकस से होकर जाएगी एंड मान लो अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट अगर आपका लेट सपोज यहां पर कहीं रखा हुआ है तो वही लाइट रे आपकी जा रही है एंड सेकेंड लाइट रे फोकस से जाएगी एंड आफ्टर डिफ्रेक्टेड कुछ ऐसी हो जाएगी तो देखो एफ वन एंड टू एफ वन एफ़ वन एंड टू एफ वन के बीच आपको मिली है भैया ये टू एफ वन है माइनस का नहीं है कंफ्यूज हो तो ना बच्चों ठीक है तो यहां पर कहीं आपको इमेज मिलेगी आपकी ठीक है रियल एलवर्टेड इमेज मिलेगी अब देखो अगर ये फाइव है तो ये फाइव है तो ये यहां से यहां तक का टेन हो जाएगा और इमेज हमें कहाँ मिल रही है फाइव टू टेन के बीच में मिल रही है मीन्स सेवन जो कि हमें सही गिवन है तो आई थिंक हमारा डायग्राम भी एकदम बन गया तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा ठीक तो क्या करना है आपको यहां पर पूरे पाँच नंबर चाहिए तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आप जो भी जानते हैं सब लिखेंगे ठीक है उसके बाद अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे फिर आप इसमें यू की वैल्यू पुट करेंगे सॉरी यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले में रखकर तो इजी हमारा काम हो जाएगा उसके बाद रे डायग्राम वापस से कर बना लेना बच्चों ठीक है अच्छा बनेगा मज़ा आएगा ये पूरे नंबर आपके मिल गए यहाँ पर पाँच बट डायरेक्ट ये लिख मतलब के बता लो कॉन्वेक्स ठीक है थोड़ा अच्छे से लिखना डेफिनेशन लिखना ठीक है मज़ा आएगा चेक करने वाले को भी मजा आए ओके okay, चलो आगे बढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेक्शन नंबर ई की बात करते हैं यहां पर आपके पास ठीक है यहाँ पर आपके पास केस बेस्ड डाटा होगा ठीक है एंड टू टू थ्री शॉर्ट्स सब पार्ट्स आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस के होंगे ओके okay? जैसा कि आपको जैबा मैम ने पहले समझाया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एक बार देख लेते हैं फिजिसी क्वेश्चन की कुछ किस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन ये रहा हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हमारे पास सुरेश पेरेंट्स है अटैच इन रोल ओ बेस ओके आई एम सॉरी शायद मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लग गया कोई बात नहीं भाई क्वेश्चन हमारे पास ये है थर्टी नाइन क्वेश्चन है विनीता एंड अहमद डेमोन्स्ट्रेट सर्किट देश इन देयर स्कूल एक्सिबिशन बेस्ट ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है विनीता एंड अहमद दो स्टूडेंट है जिन्होंने एक सर्किट बनाया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपने साइंस एक्सिबिशन में अब हमें यहां पर जो क्वेश्चन गिवन है इस डेटा के अनुसार हमें यहाँ पर उनके आंसर्स देने हैं ठीक है भाई चलो भाई कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है पहला है स्टेट द स्टेट वट हैपन्स वैन द स्विच ए इज कनेक्टेड टू द पोजिशन टू एंड थ्री स्विच है हमारे पास अगर हम इस स्विच ए को टू से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा देखो भाई अगर हम टू से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा करंट यहाँ से फ्लो होगा कुछ ऐसा यहाँ पर जाएगा यहाँ पर जाएगा पाथ कंप्लीट करेगा यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर क्यों नहीं जाएगा यहाँ पर भी जाना चाहिए भाई लाइट कहाँ करंट कहाँ से फ्लो होता है क्लोज पाथ में यहाँ पर पाथ क्लोज नहीं है तो मीन्स यहाँ पर नहीं जाएगा सेकेंड थिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी होना जरूरी है लाइट करंट के फ्लो होने के लिए तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है तो दैट्स वाई यहाँ पर करंट आपका फ्लो नहीं होगा तो करंट आपका कुछ ऐसे जाएगा ठीक है पोजीशन टू के लिए ये हो गया हमारे पास अगर थ्री की बात करें पोजीशन थ्री में तो जब हम थ्री से कनेक्ट करेंगे इसको कुछ ऐसा अब देखो मान लो मैं रेड से कनेक्ट कर रहा हूं इसको पोजीशन थ्री के लिए हम यहां पर ले लेंगे ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको अब यहाँ से जब हमने इसको कनेक्ट करा तो अब देखो करंट क्या जाएगा करंट कुछ ऐसा जाएगा यहां पर ऐसा आएगा कुछ इस तरह से जाएगा और फिर घूम फिर कर वापस से यहां पर आ जाएगा ठीक है इधर क्यों नहीं गया मैंने आपको रीजन बता दिया ऑलरेडी सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ये वाला भी हमारे पास यहां पर हो गया ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप वेन लाइट हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें ना बच्चों अगर हम यहां पर डायग्राम को ध्यान से देखें तो जितने भी यहाँ पर ये यह रेसिस्टेंस हमें गिवन है हम रेसिस्टेंस कह सकते हैं ठीक है जो बल्ब गिवन है वो हमारे पास यहाँ पर पैरल में अटैच है कैसे है देखो एक बार मान लो भाई ये बैटरी है यह बैटरी हमें यहां पर गिवन है ये यह देखो यहां पर हमारे पास ये पैरल अटैच है तो देखो हम जानते हैं कि जब हमारे पास सर्किट में रेसिस्टेंस पैरल में अटैच होते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है सेम होता है तो मींस पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहां पर 12 वोल्ट गिवन है तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पर 12 वोल्ट इजी ठीक एक एक मार्क्स का एक मार्क्स आपको यहां मिल गया एक मार्क्स आपको यहाँ पर मिल गया इसके लिए अब ये जो एक मार्क्स है इसको गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि भाई हम जानते हैं कि जो सर्किट होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ओके okay? अगर वह रेसिस्टेंस पैरल में कनेक्टेड हो तो रीजन देना देखो जो पाँच मार्क्स की क्वेश्चन देना वहाँ पर आपको भले वन वर्ड में आंसर आ रहा है बट आपको उसका रीजन भी देना होगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई हाँ बच्चे का कॉन्प्ट क्लियर है डायरेक्ट नहीं जैसे देखो सेक्शन नंबर ए में हमने देखा था कॉन्वेक्स मीडर में डायरेक्ट हमने आंसर कर दिया वहां पर आपसे कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा बट

फोर ओम लैम्प वैंड लाइट हमें यहाँ पर करंट कैलकुलेट करना है भाई तो देखो करंट के लिए हम क्या करेंगे वीज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला होता है पता है सब बच्चों को I बराबर क्या हो जाएगा V अपोन आर हो जाएगा ठीक है हमें यहाँ पर V गिवन है ट्वेल्व वोल्ट है और रजिस्टेंस R के लिए हमें यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी फोर ओम एंड ट्वेल्व ओम है तो देखो अगर हम डायग्राम की यहाँ पर बात करें डायग्राम में ही देखकर कर कर लेते हैं अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर करंट कितना होगा आई इज इक्वल्स टू वी अपन आर लगाओ फॉर्मूला वैल्यू कितनी है यहाँ पर ट्वेल्व आर कितना है यहाँ पर ट्वेल्व मीन्स आर करंट कितना आ गया वन एम्पियर ठीक है सेम इसी तरह इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेना आई इसके लिए कितना आ जाएगा ट्वेल्व बाई ट्वेल्व मीन्स वन एम्पियर ठीक भाई क्लियर है अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप एक बार फॉर्मूला बनाएंगे आई इज इक्वल्स टू वी अपन आर थोड़ा सा बताना कॉपी में अपना नोटबुक में ठीक है चलो भाई इसके लिए बात करें तो आईज इक्वल्स टू वी अपोन आ वापस से तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर V कितना है ट्वेल्व अपोन फोर एम्पेयर है सॉरी फोर ओम है मीन्स थ्री एम्पेयर करंट तो यहाँ पर भी थ्री एमपेयर आ जाएगा और यहाँ पर भी थ्री एमपेयर आ जाएगा अच्छा अब ये सही आया या नहीं इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर टाइम बचे तो क्रॉस चेक करना कैसे करना है क्रॉस चेक इनका नेट असिस्टेंस निकाल लो ये दोनों आपस में पैरेलल में ना तो नेट इक्वेलेंट रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस कितना होगा आर वन आर टू प्लस आर वन प्लस आर टू मीन्स ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व मीन्स ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर टू सिक्स ट्वेल्व ठीक है तो देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ का हमने नहीं करी एक बार देखना अब देखो यहाँ पर ये आराम से कनेक्ट होगा ठीक है ये हमारे पास रजिस्टेंस कितना आ गया आर इक्वलेंट हमारे पास आ गया यहां पर हमारे पास सिक्स ओके वोल्टेज कितना है टू तो इस पर कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर मीन्स ट्वेल्व बाई सिक्स बोले तो आई बराबर कितना आ गया टू एम्पियर मीन्स वन वन एम्पियर दोनों में रही देखो वन एम्पियर वन एम्पियर रही ना भाई ठीक है समझ में आ गया क्या ऐसा आप चेक कर सकते हैं आई होप आप मेरी बातें समझ गए यहाँ पे ठीक है आपने सब पढ़ रखा है बच्चों ओके तो ये हमारे पास था चलो अब दूसरा देखें इसका और हमारे पास यहाँ पर एक और गिवन है शोन विद द कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प फोर ओम ट्वेल्व ओम हैज द हायर पावर देखो हमने यहाँ पर बच्चों पावर के बारे में पूछा क्या है पावर का फॉर्मूला सिंपल सा होता है क्या होता है पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन आर ठीक है और एक फार्मूला और होता है यहाँ पर पावर का पी इज इक्वल्स टू आ, वी क्वस्टू आयर होता है ना तो आई स्क्वायर आर होता है अब यहां पर कौन सा लगाएंगे यहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कॉन्स्टेंट है तो हम p इक्स टू वी स्क्वायर अपोन आर ये वाला फॉमूला यूज करेंगे पावर कैलकुलेट करने के लिए बच्चों सेकंड थिंग हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो पावर है वो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब रसिस्टेंस जितना ज़्यादा पावर उतनी ही कम बोलो क्लियर है इतनी बात तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि हायर पावर किसकी होगी तो हायर पावर की अगर बात करेंगे हम तो रसिस्टेंस कम किसका है जल्दी बताओ रेसिस्टेंस कम है फोर ओम का तो मतलब पावर यहाँ पर होगी ज़्यादा कितनी होगी लगाओ फॉर्मूला पुट कर दो मैं यहाँ पर इसके लिए निकाल रहा हूँ पीजिकवल्स टू वी स्क्वायर अपोन आर मीन्स ट्वेल्व मल्टीप्लाई ट्वेल्व अपोन आर कितना है हमारे पास यहाँ पर आर है हमारे पास यहाँ पर फोर ठीक है फोर आएगा हमारे पास यहाँ पर फोर्थ इजा ट्वेल्व तो पावर हमें यहाँ पर मिल जाएगा थर्टी सिक्स ट्वेल्थ इजा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स वाट ठीक यहाँ लिख देता हूँ हमें पावर कितना मिल गया हमें यहाँ पर थर्टी सिक्स वाट बोलो क्लियर है क्या भाई इतनी बात समझ में आ गया इजी था तो देखो यहाँ पर भी आपको पावर का थोड़ा सा बताना पड़ेगा सिंस वी वी नो दैट पी इक्वल्स टू स्क्वायर अपॉन आर हम यहाँ पर ये भी फार्मूला ले सकते हैं बट सिंस वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट ईयर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट हियर सो वी टेक दिस फार्मूला इस तरह से आप इसको सॉल्व करके यहाँ पर कैलकुलेशन से दोनों का निकालना है आपको ठीक है इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है अपना फाइनल आंसर देना है ठीक है बच्चों तो ये था हमारा सैंपल पेपर डिस्कशन फॉर अ फिजिक्स पार्ट ओके अब हमारे पास केमिस्ट्री का हमने कर लिया जिसका आपको मैंने करा दिया अब बचा है हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट जो आपको कराएंगी ईशानी मैम ओके सो so, ईशानी मैम अब आपको केमिस्ट बायोलॉजी के बारे में समझाएंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ओके बच्चों सो आई होप आप समझ गए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ओके बाय